सो हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको स्टारबोर्न गेमिंग ऐसा इंट्रो कैसे बनाना है। एंड गाइस, इस इंट्रो को बनाने में जो भी मैंने टेम्पलेट और अदर थिंग जो भी यूज़ किया मटेरियल्स, उन सभी का लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखा है, तो आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर लेना। वहाँ पर गूगल ड्राइव का लिंक आपको मिल जाएगा, आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर लेना इजीली। एंड गाइस, हैप्पी दिवाली टू ऑल। तो चलिए गाइस, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आपको आ जाना अपने PSCC में। देन PSCC में आने के बाद 1280p बाय 720p का एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है। चलो मैं पहले क्रिएट कर लेता हूँ। देन गाइस, ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पे एक ग्रेडियंट से फिल कर देना, किसी भी कलर से फिल कर देना। जस्ट यहाँ पे मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ ताकि जो बैकग्राउंड है वो मेरे को विजिबल रहे। देन गाइस, यहाँ पे आपको जो लोगो है आपको उसको इम्पोर्ट करना है। तो चलो मैंने यहाँ पे जो लोगो है मेरा इसको इम्पोर्ट कर लिया है। तो इसके बाद आपको कुछ इस तरीके से लगा देना जैसे मैंने लगाया है। देन गाइज, आपको इसकी डुप्लीकेट लेयर करनी है, जो इसकी नीचे वाली लेयर होगी आपको इसको फिल स्ट्रोक कर देना है। स्ट्रोक दे देना यहाँ से, और जो कलर होगा गाइज आप उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। तो पहले यहाँ पे मैं कलर सेलेक्ट करके दिखा दिया है मैंने, यहाँ पे मैंने पिंक कलर सेलेक्ट किया जो मेरे लोगो का है। एंड गाइज, जो यहाँ पे मैंने इसकी वेट रखी है वो 25 रखी है, तो देख लो। मैं यहाँ पे एक बार और कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन गाइज, इतना होने के बाद राइट पे क्लिक कर देना। एंड गाइज, इतना होने के बाद जो आपको एजेस दिख रहे होंगे इसको थोड़ा आप शार्प भी कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। तो चलो मैं यहाँ पे इस एजेस को शार्प करने के लिए आपको बताता हूँ क्या करना। आप शो पॉइंटर यहाँ से इनेबल करना। देन गाइज, यहाँ से जो ये पॉलीगन सिलेक्शन टूल है इस पर सेलेक्ट करना। देन गाइज, कुछ इस तरीके से ड्रॉ करते जाना, जो आपके मतलब जो जितने भी एजेस हैं उनको शार्प कर देना। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करना है। ऐसे करके यहाँ पर क्लिक कर देना। देन यहाँ पे आके फिल स्ट्रोक कर देना, इस बार आपको फिल कर देना है यहाँ पे कलर। तो देखो कुछ इस तरीके के जो आपके एजेस है वो शार्प हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, इससे यहाँ पे टाइम बच जाएगा और कुछ नहीं होगा ज़्यादा। देन गाइस, शार्प एजेस करने के बाद जो आपकी जो लेयर है जिसमें आपने शार्प एजेस किए हैं उस लेयर पर आपको ग्लो इफेक्ट दे देना है। एक बार जो है इसको ग्लो इफेक्ट वाइट कलर का देना। देन गाइस, सेकेंड टाइम आपको जब इसको ग्लो इफेक्ट दोगे तो इस बार जो कलर है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेना, जो आपने स्ट्रोक में जो कलर दिया था पिंक कलर का वो वहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। देन गाइस, इतना होने के बाद आपको अलग अलग लेयर करके सेव कर लेना है। तो चलो पहले मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ हमारी जो स्ट्रोक वाली लेयर है। पहले तो यहाँ पे इस लेयर को हाइड कर देता हूँ मैं। ये जो हमारी स्ट्रोक वाली लेयर थी पहले, इसको हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पे हम इसको कर लेंगे एक्सपोर्ट। तो सेव पे क्लिक कर लेंगे। एंड गाइस, जिसको नहीं आता सेव कैसे करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको सेव टू गैलरी पे क्लिक करना है। देन जिस इमेज को आपको सेव करना है उस पर क्लिक करके यहाँ पे PNG फॉर्मेट में सेव कर लेना है। देन गाइस, इसको सेव करने के बाद हम कोई जो हमने जो सेकेंड लेयर थी, जो फर्स्ट लेयर थी जो हमारी लोगो की, उसको भी इम्पोर्ट कर लेना है, मतलब एक्सपोर्ट कर लेना, सॉरी। तो चलो उसको भी मैं सेव कर लेता हूँ। सो गाइस, इमेज सेव करने के बाद आपको आ जाना अपने काइन मास्टर में। फिर काइन मास्टर में आने के बाद आपको यहाँ पे एक ब्लैक कलर का बैकग्राउंड इंपोर्ट करना है। तो इसकी ड्यूरेशन मैं यहाँ पे 8 रख रहा हूँ, आप जितनी भी रख सकते हो। तो यहाँ पे इसकी ड्यूरेशन इतनी रखने के बाद आपका जो लोगो है जिसमें आपने ग्लो इफेक्ट दिया था उसको इंपोर्ट कर लेना। देन लेयर में जाना, फिर एफेक्ट्स में जाके मिराज इफेक्ट होता है उसको डाउनलोड कर लेना। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि आपको कैसे डाउनलोड कर लेना है, तो आपको स्टोर में मिल जाएगा। तो आपको उसको यहाँ पे अप्लाई कर देना है। देन सेटिंग में जाना है, यहाँ पे जो मोड है उसका 2 कर देना है, एंड जो स्ट्रेंथ उसको फुल कर देना है, और जहाँ से डायरेक्शन है उसको आप चेंज कर लेना अपने लोगो के अकॉर्डिंग। तो देख लो कुछ इस तरीके का लग रहा है यहाँ पे। देन गाइज, हम यहाँ पे जो हमारा लोगो था जो हमने PSCC में अभी इंपोर्ट किया था जस्ट, उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना। देन तो देख लो कुछ इस तरीके का लुक आ जाएगा। अब हमें कुछ नहीं करना, जस्ट एक मतलब यहाँ से ब्रश टूल होता है, यहाँ पे देख लो हैंड राइटिंग पर क्लिक करना। देन यहाँ पे आपको जो ब्रश दिख रहा होगा इसको सेलेक्ट कर लेना, एंड ब्लैक कलर जो है यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेना। फिर इतना सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, जो इसका साइज़ है वो थोड़ा इंक्रीज़ करना। देन आपको कुछ इस तरीके से जैसे मैं ड्रॉ करते जा रहा हूँ आपको भी ऐसे ही ड्रॉ कर देना है। तो यहाँ पे पूरा मैंने इसको फिल कर दिया है। तो इतना होने के बाद आपको क्या करना है, जो इसकी ड्यूरेशन है इसको कट कर देना 2 सेकेंड पे आके, 2 सेकेंड या 1:80 जितना भी आपको रखनी है। देन यहाँ पे जो आउट एनिमेशन है उसको इरेज बाय स्ट्रोक कर देना है। और इतना याद रखना, जो इसका मतलब जो ये जो नीचे यहाँ पे आपको टाइम दिख रहा है वो 1 सेकेंड से ज़्यादा हो। तो चलो इसका सेकेंड को बढ़ाने के लिए हम इसकी जो ड्यूरेशन है उसको इंक्रीज़ कर देंगे। तो चलो अब देखते हैं कितने आ गया। यहाँ पे देखो यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे 1 सेकेंड है, यहाँ पे इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे इसको। तो मैं यहाँ पे 1.5 सेकेंड रख रहा हूँ। तो देख लो कुछ इस तरह का लुक आ जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। और जो आपका जो लोगो था मेन, उसको आपको टॉप पे कर देना है।
तो देखो आपको कुछ इस तरह का लुक मिल जाएगा। देखो गाइस कुछ इस तरह की एनिमेशन मिल जाएगी आपको देखने में, जो मिराज इफेक्ट है कुछ राउंड अप होके आपको मिल जाएगा देखने को। तो ऐसे आपको कर देना है, तो जो आपका जो ये इमेज इन सब का साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ कर देना, मतलब ड्यूरेशन तक ले जाना। एंड गाइस इतना याद रखना, जो आपका जो मेन लोगो वाली लेयर थी जिसमें आपने स्ट्रोक नहीं दिया था, उस लेयर को आपको सबसे टॉप पर रखना है। तो चलो मैंने यहाँ पे सभी की ड्यूरेशन जो एकदम सही कर दी है। और इतना याद रखना, जो हैंड राइटिंग की जो लेयर है उसकी ड्यूरेशन आपको मतलब ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करनी। तो इतने सब होने के बाद आपको इस लेयर को मतलब इस वीडियो को कर देना एक्सपोर्ट। तो चलो मैं इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। एंड गाइज एक्सपोर्ट होने के बाद आपको एक और प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। इस बार जो इसका बैकग्राउंड है उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। देन आपको इस वाले बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है। देन यहाँ पे ये जो इसका जो क्रॉपिंग है इसको पूरा दोनों को इक्वल कर देना, जिससे एंड और आगे का दोनों सेम रहे। देन का जितना होने के बाद इसकी जो ड्यूरेशन है मैंने यहाँ पे 8 सेकंड तक रखी है। आपको जितना इंट्रो चाहिए आप उतने हिसाब से रख देना। देन का जितना होने के बाद जो आपने काइन मास्टर में वीडियो मतलब एनिमेशन बनाई थी उसको इम्पोर्ट कर लेना। देन यहाँ पे जो इसको क्रॉप कर देना फर्स्ट पार्ट, बिकॉज पहले जो पार्ट है वो ब्लैक स्क्रीन ही रहेगी, जो जहाँ से हमारी एनिमेशन है हमें उतने एरिया का काम है। देन यहाँ पे जो ब्लेंडिंग मोड में जाना, यहाँ पे आपको स्क्रीन कर देने से तो देखो कुछ इस तरह का लुक मिल जाएगा आपको देखने पे। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे लेयर्स में जाना है, फिर मीडिया में जाके आपका जो लोगो था जिसमें आपने सिर्फ सिंपल स्ट्रोक नहीं दिया था, जिसमें मतलब जो सिंपल था, तो उसको ऐड कर लेना। देन देखो कुछ इस तरह का लुक आ जाएगा। तो यहाँ पे पहले मैं देख लेता हूँ अच्छे से। देन गाइस जितना होने के बाद अब आपको क्या करना है, जो इंट्रो का सॉन्ग है उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना। तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो मैं ढूंढ लेता हूँ पहले सॉन्ग को। सो गाइस मेरे को यहाँ पे सॉन्ग जो है वो मिल गया, तो मैंने इसको ऐड कर लिया है। देन इसको ऐड करने के बाद आपको जो इसकी बीट है उसके अकॉर्डिंग इंट्रो बनाना है। तो देख लेना जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ उन स्टेप को फॉलो करते जाना बस। तो देखो पहले एक बार प्ले करके देखना। देन यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे एक बीट ड्रॉप आएगी जो कि करीब 3 सेकंड के आसपास में आपको देखने को मिल जाएगी। देन यहाँ पे आने के बाद जो हमारा बैकग्राउंड है उस पर क्लिक करना। देन यहाँ पे कैची पे सेलेक्ट करना, फिर स्प्लिट एट प्लेहेड कर देना। फिर इतना होने के बाद आपको मीडिया में जाना है, फिर एक ब्लैक कलर का बैकग्राउंड दोबारा से इम्पोर्ट कर लेना है। देन गाइस इसका जो साइज़ है इसको पूरा स्क्रीन तक फिलअप कर देना। फिर कुछ सेकंड पे जाके इसको कट कर देना। फिर यहाँ पे जो इसका जो एनिमेशन है और आउट एनिमेशन है उसको फेड कर देना। तो देखो कुछ इस तरह का लुक आपको मिल जाएगा देखने पे। देन क्या करना, ये जो लेयर थी जिसको आपने स्प्लिट एट प्लेहेड किया था उसको डिलीट कर देना। देन बैकग्राउंड में जाना, फिर ब्लैक कलर का बैकग्राउंड यहाँ पे इंपोर्ट करना। देन जो आपका सॉन्ग है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आने के बाद इसको कट कर देना, जो कि करीब 7 सेकंड पे है। फिर इतना होने के बाद आपको क्या करना है, ये जो ये वाली लेयर है इन सभी लेयर को भी आपको डिलीट करना है। इतना याद रखना, जब आप इस लेयर को डिलीट करोगे ये इन ब्लैक लेयर के अंदर आने चाहिए, जो आपने ब्लैक कलर का जो लेयर इंपोर्ट की ना उस पर, उसके अंदर आने चाहिए। तो इन दोनों लेयर को यहाँ पे हम कर देंगे डिलीट, मतलब क्लियर कर देंगे राइट हैंड साइड का। तो देखो कुछ इस तरह का पूरा ब्लैक पार्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपका चैनल का लोगो है उसको यहाँ पे इंपोर्ट करना है। तो चलो मैं उसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। याद रखना गाइस, इस बार आपको जो आपका चैनल का लोगो है उसको पूरा मतलब फुल साइज़ का लोगो को इंपोर्ट करना है। तो चलो मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ उसे। सो गाइस मेरे को यहाँ पे जो लोगो है वो मिल गया है, तो इसको कुछ अच्छे से एडजस्ट कर लेना। देन गाइस इसको आपको ब्रिंग टू बैक कर देना, मतलब इसको बैक साइड कर देना, जिससे क्या होगा जो हमने ब्लैक कलर का लेयर इंपोर्ट की थी वो उससे इसके बैक साइड रहेगी। देन गाइस आप इस लोगो की जो लेयर है इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेना। तो पहले मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि जो लेयर है वो अच्छे से एडजस्ट हुई है कि नहीं। देन गाइस आपको लेयर में जाना है, फिर मीडिया पे जाके आपको एक मतलब स्क्रीन की एक एनिमेशन मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो चलो मैं उसको पहले ढूंढ लेता हूँ कहाँ पर है वो। सो गाइस मिल गई मेरे को वाली ये जो एनिमेशन है, फायर करके एक एनिमेशन है यहाँ पे मेरे को मिल गई। तो आपको इसको पूरा स्क्रीन पे कर देना है। देन आपको यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड में जाना है, इसको कर देना है स्क्रीन। देन स्क्रीन में करने के बाद आपको इसको कर देना है ब्रिंग टू बैक, जिससे ये हमारे लोगों के लेयर के पीछे रहेगी। इतने पे आने के बाद आपको इसको स्प्लिट एट राइट कर देना है, जिससे कि जो इसका राइट का पार्ट है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो देखो कुछ इस तरह का लुक आपको मिल जाएगा। देन गाइस यहाँ पे जो यहाँ पे इफेक्ट्स में जाना है आपको कुछ इतने सेकंड पे आने के बाद। देन यहाँ पे आपको इफेक्ट्स में जाना है, फिर यहाँ पे आपको क्रोमेटिक ग्लिच में मिल जाएगा, फिर आपको इसको सेलेक्ट कर देना। ये भी आपको स्टोर में अवेलेबल मिल जाएगा, गेट मोर पे क्लिक करोगे तो आपको वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना। देन इतना होने के बाद आपको क्या करना है, इसकी सेटिंग मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है।
तो देख लो जैसे यहाँ पे मेरी जो एनिमेशन वो ख़त्म हुई ब्लैक स्क्रीन वाली, उसी पे मैंने यहाँ पे इसको लगाया है, फिर यहाँ पे स्प्लिटेड राइट हिट कर दिया जिससे कि जो राइट का पार्ट है वो पूरा क्लियर हो गया है। तो इसके इन एनिमेशन और आउट एनिमेशन को दोनों को मैंने फेड कर दिया है। ऐसा करने से गाइज आपके लोगो में एक ग्लिच टाइप का एक इफेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। देन गाइज आपको ओवरले में जाना है, फिर आपको स्टोर में ये भी मिल जाएगा, इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है। तो देन देखो कुछ इस तरह का लुक आपको मिल जाएगा देखने को, मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। देन गाइज इतना होने के बाद आपको वीडियो के सेटिंग में जाना है, यहाँ पे देख लो। इन सेटिंग में आने के बाद आपको वीडियो पे जाना है, फिर वीडियो फेड आउट को जो है इसको ऑन कर देना, फिर जो यहाँ पे आपको ड्यूरेशन है वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। मैं यहाँ पे 0.50 रख रहा हूँ, तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना जितनी आपको रखनी है। तो देख लो कुछ इस तरह का लुक आपको मिल जाएगा वीडियो में, आपकी वीडियो जो है एंड पे आके थोड़ी फेड हो जाएगी। सो गाइज यहाँ पे हमारा जो इंट्रो पूरा बन के रेडी हो चुका है। गाइज जो हमारा इंट्रो पूरा परफेक्ट तो नहीं बना, बट लेकिन काफ़ी हद तक जो इंट्रो हमारा सिमिलर बना है। सो गाइज हमारा इंट्रो बन के पूरा रेडी हो गया है, तो अब हम यहाँ से इसको कर लेंगे एक्सपोर्ट। सो गाइज आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, एंड गाइज आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज हम ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट इस मतलब चैनल पे अपलोड करते रहते हैं। एंड गाइज अगेन हैप्पी दिवाली टू ऑल। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।